सो भी बज चुके हैं रात के 12, फाइनली केक काटने का टाइम हो चुका है, चलो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू नंदनी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू नंदनी गुप्ता। मुझे भी तो खिला। अच्छा केक नानी को भी खिलाओ। एक बात, गिफ्ट दो भाई, सारे गिफ्ट दो। पापा गिफ्ट नहीं होगा, कल पार्टी मेरी तरफ से, कल की पार्टी मेरी तरफ से। मेरी तरफ से पार्टी तो मैं, नानी गिफ्ट दे बेटा, पार्टी का मत करो, पार्टी मैं दे दूंगी अपनी तरफ से। मेरे पे भी गिफ्ट नहीं है, आओ गिफ्ट नहीं है, फोटो ले। नानी गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, खिलाओ। नहीं तू भी तो दे, चलो केक काटो। तो फ्रेंड्स, तो फाइनली केक कटिंग सब कुछ हो चुकी है, हमने केक भी खा लिया है, तो बस चलिए अब चलते हैं सोने के लिए, अब मैं आपसे मिलूंगा सुबह। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, अभी का सीन ऐसा है कि अभी बाहर सब्जी वाले भैया आते हैं, आए हैं तो लेते हैं मटर, और मैं आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट बात। सो फ्रेंड्स, देखिए ये रहे सब्जी वाले भैया। अरे भैया कहीं और चले गए, आज सोच थोड़ी ज़्यादा मटर लेके, फिर आज आखिरी बार ले लूँ, फिर ना लूँ। नानी कह रही है कि बस और ज़्यादा नहीं तो ख़राब हो जाती है ना, तो आज आखिरी बार ले लेते हैं ज़्यादा सी, उसके बाद नहीं लेंगे। सभी मटर ले लिया मैं आपको, तो इम्पोर्टेंट बात, कल रात को जैसे कि हमने केक खाया, उसके बाद हमने दोपहर को चिली पोटैटो भी खाए थे ना, उसके बाद रात को 3 बजे मुझे हुई वॉमिट, और रात को 3 बजे ही सेम टाइम पर नानी को भी वॉमिट हुई। नानी चली गई थी दूसरे बाथरूम में, मैं चला गया था बाबा के बाथरूम में, नानी गई थी मम्मी पापा के बाथरूम में, और नानी को लग गई उल्टी, वहाँ मैं उल्टी कर रहा था, यहाँ नानी उल्टी करती थी, बताओ। रात को 3 बजे उतना ज़्यादा पेट में दर्द, अभी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं क्यों। तो अभी पापा ने जो दवाई दी है, मैंने मम्मी को भी कहा, तो मम्मी ने कहा वहाँ भी तबीयत ख़राब हो रही है, जयपुर में भी 2-3 लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया एकदम से। तो बस अभी दवाई वगैरह लेंगे, वैसे जब मैं वैसे जब उल्टी है, लूज़ मोशन भी हो रहे हैं मुझे और नानी दोनों को, तो लूज़ मोशन में कहते हैं कि एक गिलास पानी लो, उसमें चीनी डालो और चीनी को अच्छे से मिक्स करो, चीनी का घोल कहते हैं उसे, उससे हमारे लूज़ मोशन रुक जाता है, ऐसा नानी मम्मी वगैरह कहते हैं। तो देखते हैं, वो तो पी रहा हूँ, कहते दही में चीनी भी डालो, दही में भी चीनी डालो तो भी उससे हो जाते हैं। तो बस चलते हैं अंदर और यही ट्राई करते हैं दही वाला नुस्खा। सो फ्रेंड्स, तो अभी बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो थोड़े बहुत मैंने नुस्खे वगैरह जो होते हैं ना वो खाए, अब मैंने लस्सी पी है थोड़ी, क्योंकि नानी का लस्सी बहुत ठीक कर देती है पेट को, तो लस्सी पी ली, अब थोड़ी देर सोते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। सो फ्रेंड्स, तो फाइनली मेरी तबीयत बिल्कुल हो चुकी है ठीक, सुबह वॉमिटिंग हो रही थी, इसके बाद पापा आए दुकान से, पापा ने चेक करा, मुझे 101 फीवर भी था, पता नहीं या तो कल होली की वजह से हो गया क्या हो गया। तो अभी पापा ने दवाई दे दी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, ना कोई सर में दर्द कुछ भी नहीं। तो चलते हैं फटाफट से ट्यूशन, क्योंकि कल मेरा टेस्ट भी है ना, अभी मैंने छोड़ दिया, आधा घंटा बैठ के तैयारी कर ली सब कुछ, अब ट्यूशन जाके टेस्ट देते हैं, अब मैं आपसे मिलता हूँ ट्यूशन से आने के बाद। सो फ्रेंड्स, तो मैं फाइनली ट्यूशन से पढ़ के घर पर आ चुका हूँ, अभी बज चुके हैं 7:30 बजे, मुझे फिर से ट्यूशन जाना है क्योंकि कल मेरा पेपर है, 2 टाइम ट्यूशन जाना है ना। आपको तो हमारे घर पर कौन आया है गेस करो, मुझे दीक्षा दीदी ना उनके रियल भाई जो है ना निक्कू भैया, वो आए हमारे घर पे, क्योंकि आज मेरी सिस्टर का बर्थडे, तो उन्होंने कहा कुछ पार्टी वगैरह करेंगे, इसलिए वो हमारे घर पे आ गए, क्योंकि सब लोग जयपुर गए हुए हैं, कल सुबह 10-11 बजे पापा भी जयपुर चले जाएंगे, क्योंकि कल है ना शादी, तो मेरी वीडियो तो थोड़ी लेट आएंगी, आप बुआ के चैनल पर तो देख ही रहे होंगे सारी वेडिंग वगैरह, बट मेरे पे तो थोड़ी लेट आएगी क्योंकि मेरी शादी सारी शूट कर रही मम्मी, और मम्मी जब तक आएंगी नहीं तब तक वीडियो एडिट हो नहीं पाएंगी, तो मम्मी 1-2 दिन में आएंगी, उसके बाद मैं नॉनस्टॉप वीडियो एडिट करके डालता हूँगा। तो बस अभी भैया आए हुए, अभी भैया करवाने गए हुए हैं शेव, तो जब आ जाएंगे तब मैं आपको उनसे मिलवा दूँगा। सो फ्रेंड्स, तो अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ सेकेंड टाइम ट्यूशन, तो बस अब मैं आपसे मिलता हूँ सेकेंड टाइम ट्यूशन आने के बाद। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने कहा था ना, तो देखिए आए अभी हमारे घर पर दीक्षा दिए गए रियल भैया, तो अभी मेरी बहन की बर्थडे है, तो चलते हैं कहीं पर पार्टी करने। सो अभी मैं सेकंड टाइम ट्यूशन पढ़ के आ चुका हूँ, देखिए अब आ चुका है हमारा डिनर, डिनर में दलिया बना, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है ना, तो खाएंगे अभी लाइट डिनर दलिया। सो फ्रेंड्स, सो अभी हम सब लोग जाने के लिए बिल्कुल हो चुके हैं रेडी, बट हमारा एक पोपट हो गया, मैं आपको दिखा दूँ क्या हो गया। जैसे ही पापा ने गाड़ी स्टार्ट करी ना, गाड़ी स्टार्ट करते थे नहीं क्या हुआ, गाड़ी कुछ बोली नहीं थी, अब भैया ने कुछ चेक करा तो ये करा, बट कुछ हो ही नहीं रहा, तो हमने सोचा मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, तो गाड़ी स्टार्ट करी और पोपट हो गया।
सो फ्रेंड्स, अभी पापा गए हुए मैकेनिक को बुलाने के लिए स्कूटी पे, जब तक भैया यहाँ पे गाड़ी को चेक कर रहा है, देखता है क्या दिक्कत होती है। बहुत अच्छी बात है ना सुबह, क्योंकि कल सुबह 7 बजे पापा दुकान जाते हुए वहीं की वहीं जयपुर में बुलाते, दिक्कत नहीं होती। अभी देखा ना, हमने प्लान बनाया गाड़ी का, अभी अगर गाड़ी सही होती है तो अभी ठीक कर लेंगे, नहीं तो कल सुबह पापा को जयपुर नहीं मिलता, पापा को दिक्कत होती है। तो बस अभी गाड़ी यहाँ पे चेक कर रहे हैं, बाकी पापा मैकेनिक को बुलाने गए हैं। जब हमने धक्के भी मार लिए बट कुछ हो नहीं रहा है, मैंने काफ़ी धक्के मारे तो पापा जा ही रहे हैं देखने, क्या पता कोई पेट्रोल पंप मिल रहा है यहाँ पे, तब तक हम ट्राई करते हैं। लो सो फ्रेंड्स, तो अभी पापा लेके आ गए हैं मैकेनिक को, कि गाड़ी अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है फाइनली, बैटरी दिक्कत थी तो बस मैटर को करते हैं सॉल्व, उसके बाद चलेंगे, देखते हैं खाने पीने जाते भी है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं 0 डिग्री, तो चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुके हैं 0 डिग्री, तो चलिए चलते हैं अंदर। ओ है तो काफ़ी अच्छा, अभी हम यहाँ पे बैठ चुके हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। अभी क्या ऑर्डर कर अब तक, अभी तो देख रहे हैं मेनू क्या ऑर्डर, जल्दी देखो। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर करा है, अच्छा गाजीपुर से, क्यों हमने ऑर्डर दी है, अब देखते हैं। तो उनसे सबसे पहले आया है हमारा शेक। सो फ्रेंड्स, देखिए अब आया है पिज्जा। कैसा है पिज्जा? बढ़िया। और शेक कैसा था? शेक बहुत टेस्टी। अच्छा, मैं तो खा ही नहीं सकता बेचारा। पापा बहुत मन कर रहा है खाने का। बेटा अभी तबीयत सही हो जाए फिर आएंगे। बहुत मन कर रहा है, चलो पेपर के बाद। सो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब ऑर्डर हुए हैं बर्गर। थैंक यू, थैंक यू। ये फ्रेंड्स, सबने बर्गर खा लिया, बस इन्होंने बर्गर नहीं खाए। इतनी स्लो स्पीड है, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, बहुत धीरे धीरे खाते। देखो सबने खा भी लिया, अकेले धीरे खा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप में गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए, तो बस क्योंकि कल सुबह पापा जयपुर जाएंगे तो पेट्रोल चाहिए होगा गाड़ी में, तो बस पेट्रोल भरवाते हैं, चलते हैं फिर घर। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम खा पी के घर पे आ चुके हैं, तो बस चलिए अब चलते हैं घर के अंदर। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, कपड़े वगैरह में सबके बदल लिए, तो अभी भैया अभी जा चुके हैं अपने घर वापस, क्योंकि वो भी सुबह 7-8 बजे निकल जाएंगे जयपुर के लिए, तो उन्होंने कहा वो अभी जा रहे हैं, तो बस चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अब एडिटिंग। सो अभी बज चुके हैं रात के 10:30, फाइनली एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। आज की आपने मेरी इस वीडियो में देखा कि रात को 12 बजे हमने अपनी सिस्टर का केक काटा, फिर उठते ही मेरे को जो तबीयत खराब हुई मेरी, फिर शाम तक आते थे ठीक हुए, काफ़ी दवाइयाँ खाई मैंने, फिर उसके बाद फिर दीक्षा जी के रियल भी आ गए थे हमारे यहाँ पे, फिर उनके साथ हम 0 डिग्री गए थे, बट मैंने वहाँ कुछ नहीं खाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। पापा ने कहा फिर किसी दिन पापा मुझे लेके चलेंगे, फिर उसके बाद भैया भी चले गए, तो फाइनली एडिटिंग भी हो चुकी है कंप्लीट। तो बस हम इस वीडियो में भी एंड करता हूँ। आई होप आपको मैं वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब भी साढ़े जो बेल आइकन था उसको जरूर प्रेस कर देना, ताकि अब मैं वीडियो के अपडेट आते रहेंगे। मिले सुबह जितने नई वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।